नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो आज जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो हमारा बैंक बीज वाला वीडियो था, इसमें आप लोग अपने स्टॉक्स कमेंट कर सकते हो। तो जो भी कमेंट सेक्शन में आप स्टॉक रखोगे, वो सारे स्टॉक मैं ट्राई करूंगा कंप्लीट करने की, राइट। तो कुछ स्टॉक्स हैं, 20+ स्टॉक्स हैं, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। तो एक कमेंट मैं देख रहा हूँ L&T पर, तो चलिए L&T को पहले स्टार्ट करते हैं। L&T को अगर आप देखोगे, ऑलरेडी इसका जो लो बना था अप्रैल में, वो बना था ऑलमोस्ट 760 के आसपास में, राइट। और वहां से ये लगातार, अगर आप ये वीकली चार्ट L&T का देखोगे, तो लगातार ये हायर लोज बना रहा है, यानी हायर हाईज आप ऊपर की तरफ बोल सकते हो, और यहाँ पे हायर लोज बन रहे हैं, राइट। तो इसका अगर आप स्टॉप लॉस देखो ट्रेंड लाइन को फॉलो करते हुए, तो 880 का स्टॉप लॉस है, और शॉर्ट टर्म हो या फिर 2-3 मंथ्स आप इसको लेकर के चलिए। उसके बाद में ऊपर की तरफ जब इसके टारगेट की बात करें, तो देखिए कहीं ना कहीं इसको जो एक रिजेक्शन मिलेगा, वो मिलेगा अभी इस ऑलमोस्ट यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं, यानी 1060 के आसपास में इसको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है, एक वहाँ पर इसके पास में रेजिस्टेंस बन सकता है। और ये जो दोस्तों बातें हो रही हैं, इसमें एक चीज हम लोग कंसीडर करके जरूर चलेंगे कि ये जो US इलेक्शन को लेकर के जो वोलेटिलिटी बन रही है, उसको कंसीडर ना करके हम लोग चल रहे हैं। देखिए, अगर ऐसी वोलेटिलिटी आती और मार्केट सडन, अगर सपोज समथिंग अनएक्सपेक्टेड हैपेंस, मे बी बिकॉज ऑफ COVID-19 अगेन लॉकडाउन एंड देन US इलेक्शंस, तो ऐसे में दोस्तों फिर जाहिर सी बात है बड़े से बड़े स्टॉक भी नीचे गिरेंगे, और वो एक अपॉर्चुनिटी की तरह होगा। तो अगर अभी आप करंट में मान लीजिए इसको L&T को होल्ड करके चल रहे हो और प्रॉफिट में हो, तो अपना स्टॉप लॉस भी अपडेट करके रखो। तो रिसेंट मैं स्टॉप लॉस बता दूं, 900 का ही आप इस पे रखिए, 900 का स्टॉप लॉस रखिए शॉर्ट टर्म के लिए, और इन केस अगर सडन फॉल आता है तो फिर वहां से आप एग्जिट कर सकते हो। बाकी अगर ये 900 के नीचे आता है, तो कहीं ना कहीं देखिए 880-890 तक आएगा, फिर वहां से अगर ब्रेक करता है तो दोस्तों ऑलमोस्ट फिर ये 878-880 तक आ जाएगा, नो डाउट। और उसके नीचे अगर सडन फॉल हुआ, तो फिर तो आप लोग भी जानते हो कि इसमें इसके जो मोस्ट नीचे के जो लेवल है 840 तक के, वहां तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हो। मे बी नेक्स्ट डे स्टॉक अगेन 10-20% अगर फॉल करता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो मार्च वाला सीन, तो ऐसे में जाहिर सी बात है दोस्तों जो स्टॉक है फिर अच्छे खासे आपको एक एक दिन में डाउन साइड के गोते लगाते हुए दिखेगा, तो ऐसे में आप उसको ऐड करते हुए चल सकते हो। एक चीज L&T में मैं और बोलूंगा, यहाँ पे अगर आप लोग 200 DMA का कॉन्सेप्ट जानते हो, ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो शेयर कर रखी है आप लोगों को, और कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। जो आपका 200 DMA यानी कि डेली की जो मूविंग एवरेज लाइन होती है, उसके ऊपर अगर स्टॉक आया और वहां से आके अगर कंटिन्यू सस्टेन करता है, ऊपर निकलता है, तो एक आपको वहां पे अच्छी ग्रोथ देखने को मिलती है। और मोस्टली जो स्टॉक का देखिए बिहेवियर होता है वो क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि स्टॉक होता है वो 200 DMA के आसपास में आएगा, इवन क्लोज भी उसके पास में करेगा, और फिर वहां से रिजेक्शन ले लेता है, और फिर यहां से वो ट्राई करेगा ऊपर जाने का, और हो सकता है इस बार फिर से टेस्ट करके फिर से नीचे आ जाए, और दोस्तों नेक्स्ट टाइम अगेन वो ट्राई करेगा, और ऐसे ट्राई करने के बाद में अचानक से फिर उसमें एक अच्छा मूव देखने को ऊपर की तरफ मिलता है। तो ऐसा भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी ये फर्स्ट टाइम इसने कोविड वाला जो एक फॉल था, उसके बाद में फर्स्ट टाइम इसने 200 DMA को अपने टच किया, क्रॉस किया बाकायदा, और इसकी जो क्लोजिंग आई थी वो ऑलमोस्ट 982 की क्लोजिंग आई थी, राइट। और उसके बाद से फिर इसको रिजेक्शन मिला लगातार 2 दिन, अभी ये नीचे यहाँ पर है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ कहीं ऐड किया है, तो बस वही है दोस्तों, स्टॉप लॉस बना करके चलो अपना 900 का, उसके नीचे जाता है तो फिर आपको हो सकता है ये 880 तक के लेवल दिखा सकता है। और ओवरऑल अगर लॉन्ग टर्म की बात करें, तो L&T एक चैनल में, और कहीं ना कहीं दोस्तों देखिए 70% मैं बोल रहा हूँ ये चैनल है, अपसाइड में ही ब्रेक करेगा, क्योंकि जिस तरह से 200 DMA के ये करीब जाता जा रहा है लगातार, ऐसे में इसके ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और जिस दिन ये सस्टेन करता है 1000 के लेवल के ऊपर, अगर ये सस्टेन करने लगेगा, तो ऐसे में आपको 1060 तक के लेवल ईजिली बना करके दे देगा, और उसके ऊपर अगर इसकी गाड़ी चल जाती देन डेफिनेटली 1200-1250 के लेवल भी आएंगे,
करेंगे, बट मुझे लगता है एलएनटी में इतनी जल्दी ये लेवल नहीं आने वाले हैं, तो आप उसी तरीके से सोच समझ के ट्रेड ले सकते हैं। बाकी मैंने आपको शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस बता दिया है, लॉन्ग टर्म में भी स्टॉप लॉस बता दिया है, 880 का ऑलमोस्ट या 876 का लॉन्ग टर्म में स्टॉप लॉस है, शॉर्ट टर्म में 900 का स्टॉप लॉस रहेगा। करंट मार्केट प्राइस जो एलएनटी का है वो 930 के आसपास में है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक उठाते हैं, दैट इज आईटीसी। तो आईटीसी में एक चीज मैं जरूर कहूंगा, बने रहिए। देखिए डिविडेंड के लालच में भी कई लोग बने हुए हैं, डेफिनेटली मैंने भी ऐड कर रखे, लेकिन दोस्तों एक वैल्यूएशन की भी बात आती है। मैं देख रहा हूँ वीएसटी इंडस्ट्रीज, अगर आप देखोगे उसका टोटल करके एक सिगरेट आता है राइट, वीएसटी इंडस्ट्रीज का, तो वहां पर अगर आप देखोगे अच्छा खासा ही लोग पैसा बना रहे हैं और शेयर में भी तेजी। आईटीसी में इवन जितनी भी आप रिसर्च और रिपोर्ट्स पढ़ोगे, लोग खुद हैरान है कि आईटीसी अभी भी अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा है। तो देखते हैं, इतना तो मुझे भी अंदर का नॉलेज नहीं है इनके मैनेजमेंट में क्या प्लानिंग चल रही क्या नहीं चल रही, बट हाँ जिस तरह से अभी आईटीसी का भी मैनेजमेंट अब थोड़ा वरीड है इसकी अंडर वैल्यूएशन को लेकर के, कहीं ना कहीं ये कुछ पुश ऐसे जरूर देने वाले हैं जहां पर आईटीसी आपको ऊपर की तरफ फटता हुआ दिख सकता है। नीचे की तरफ की बात करें तो देखिए स्टॉप लॉस इसका आप 157 का, अगर आप लॉन्ग टर्म के लॉन्ग टर्म में होल्ड करने वाले हो तो 157 का इसका स्टॉप लॉस रखिए। अभी 165 का इसका करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, 157 के नीचे जाता है तो फिर आप एग्जिट कर सकते हो। लेकिन मान लीजिए आपने 180, 189 या 190 के आसपास में अगर स्टॉक को खरीदा, तो मैं यही बोलूंगा 157 के आसपास में जब ये आईटीसी आता है इसको आप एवरेज कर सकते हैं, वहां पे थोड़े स्टॉक और ऐड कर सकते हैं और कहीं ना कहीं इसमें एक अपथ्रस्ट जरूर दिखेगा, दिखना चाहिए। और आईटीसी तो दोस्तों वो मोस्टली जितने भी ट्रेडर हैं सबकी निगाह में रहता है स्टॉक, बट ओवरऑल अगर आप मार्केट कैप और वैल्यूएशन की बात करें तो नो डाउट इट इज़ अ कैश रिच कंपनी और डेप्ट भी नहीं है। और इसके अलावा इनका जो रिसेंट में कोविड की अगर बात करें हम लोग, तो वहाँ पर जैसा देखिए मैंने भी न्यूज़ पढ़ी हुई है और उसमें ये सुनने में आया है कि जो सेवलॉन है आईटीसी का ब्रांड, इसमें इनको अच्छी खासी इस बार इनका प्रॉफिट और रेवेन्यू होता दिख रहा है, सेल्स अच्छी रही है, तो देखते हैं इसका रिजल्ट कैसा आता है और कहीं ना कहीं उस सेगमेंट से ये अच्छा खासा आपको पैसा बना के देता हुआ दिखेगा। इसके अलावा इस क्वार्टर में नो डाउट मार्केट ओपन थी, तो कहीं ना कहीं स्मोकिंग वाला भी जो इनका सेगमेंट है सिगरेट का, वो भी अच्छा खासा चला होगा। कहीं ना कहीं होटल इंडस्ट्री भी अब कुछ रेवेन्यू आपको जनरेट करते हुए देगी, साथ में अगर पैक्ड फूड की बात करें तो आटा वगैरह हो गया, अभी इनका घी वगैरह डेयरी प्रोडक्ट्स में भी अब आईटीसी आ गया, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आपको सेल्स दिख सकती है। तो ओवरऑल अभी भी पॉजिटिव है आईटीसी पे। अगर आपको शॉर्ट टर्म पे आपने ऐड किया है 170 के नीचे ऐड किया है तो 157 का स्टॉप लॉस रख लो और एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको एवरेज करना है तो भी आप कर सकते हो, 157 के आसपास में आप इसको एवरेज कर सकते हो थोड़ा। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें, कोल इंडिया। कोल इंडिया लगातार दोस्तों लोअर लोज बनाता चला आ रहा है, लेकिन अभी इस पे अगर आप देखोगे जब ये अपने रिजल्ट के पास में आ गया कोल इंडिया, तब इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी बाइंग दिख रही है। इसको होल्ड कीजिए 170, 117, 118 के आसपास में आप थोड़ी पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, बट जैसा कि हम लोग जानते हैं कोल इंडिया का रिजल्ट आने वाला है, आई थिंक नेक्स्ट 2 वीक में इसका रिजल्ट है, मे बी 10th नवंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 10th नवंबर के आसपास में अगर इसका रिजल्ट आता है तो उस टाइम पे इसको देखना गौर करेंगे इस पे और इसको ट्रैक करेंगे, बिकॉज 170, 118 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है कोल इंडिया तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव आपको दे सकता है 122, 123 के लेवल्स के लिए। और अगर डिविडेंड की कुछ ऐसी इनसाइडर न्यूज रही तो डेफिनेटली आपको बाइंग तो यहां से दिखेगी, तो ऐसे में दोस्तों फिर आपको 125-130 तक के लेवल भी कोल इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कोल इंडिया में ही एक न्यूज थी, आई थिंक 7 कंपनीज से गवर्नमेंट ने भी बाई बैक करने के लिए बोला है, तो वो गवर्नमेंट नीड्स कैश फ्रॉम दीज पीएसयूज, तो अगर ऐसे में भी देखते हैं क्या इम्पैक्ट पड़ता है कोल इंडिया में, कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन का भी अगर कोई स्कोप बनता है तो फिर ये स्टॉक जैसे बीपीसीएल ने परफॉर्म किया था, जैसे कोचीन शिपयार्ड ने परफॉर्म किया था, कॉन्कर ने किया था, कहीं ना कहीं वो मूवमेंट आपको कोल इंडिया में भी देखने को मिल सकता है। बट
एक चीज को हमें ध्यान में जरूर रखिए, 109 जो इसका रिसेंट का लो बना हुआ है, इस लो को आप स्टॉप लॉस बना करके चलिए, क्योंकि ऐसा ना हो दोस्तों, लगातार हम लोग देख रहे थे 120 का ये मार्च के साइड में जो लो बना था 119-120 का, हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट थे लोग कि 120 का लो नहीं टूटेगा। आज आप अगर देखोगे 120 के लो को ब्रेक करके इसने 109 का लो लगा दिया है। सिमिलरली अगर हम लोग 109 पे भी अगर सचेत नहीं होते हैं, अलर्ट नहीं होते हैं, तो फिर ये ऐसा ना हो ये आपको ब्रेक करके और भी 90-95-97 तक के लेवल दे दे। तो ऐसे में इससे बच के रहिए और 109-108 का आप एसएल रखिए। हालांकि अब डिविडेंड का लालच आएगा तो डेफिनेटली कोल इंडिया में बाइंग दिखेगी, और एक बार 118 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है, सस्टेन करता है, तो फिर आपको 123 एंड इवन 125 तक के लेवल आते हुए दिख जाएंगे। नेक्स्ट स्टॉक है एचडीएफसी लाइफ। तो दोस्तों एचडीएफसी लाइफ की अगर बात करें हम लोग, तो ऑलमोस्ट एक ब्रेकआउट बन रहा है, लेकिन देखना ये है कि सस्टेन ये मेंटेन कर पाएगा ब्रेकआउट की नहीं कर पाएगा। एक मिनट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे और नीचे के सपोर्ट भी अभी हम लोग देखेंगे, एक ये ब्रेकआउट इस पे आया है, लेकिन अभी दोस्तों देखना है कि ये ब्रेकआउट कितना सस्टेन करता है, राइट। और एच डी एफ सी कहीं ना कहीं 175 और 173 के आसपास में मैंने बाई करने की सलाह दी थी, उसके बाद हालांकि ये नीचे और आया, 556 तक आया और 573-575 के आसपास में बाई हम लोगों ने लगाया था, राइट। और उसका स्टॉप लॉस भी मैंने 2 पॉइंट का रखा था और क्लियर बोला था कि नीचे अगर फिर ऑलमोस्ट आपको जाता है 10 पॉइंट्स नीचे जाता है तो फिर आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सपोर्ट इस स्टॉक का वही रखना है, देखिए 200 डीएमए के बिल्कुल पास में आकर के बार बार रिकवरी ले रहा है, 556 का सपोर्ट अगर लॉन्ग टर्म पे होल्ड कर रहे हो आप तो रखिए, और इसको होल्ड करके रख सकते हैं। हालांकि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका जो हाई लगा है 598 यानी ऑलमोस्ट 600 के लेवल के आसपास का हाई लगा हुआ है। तो रिसेंट में अगर आपने एंट्री ली है तो फिर इसको स्टॉप लॉस जो है 579 का स्टॉप लॉस रखिए और उसी के साथ में आप बने रह सकते हो। ओवरऑल अगर लॉस में आप जा रहे हो तो मैं तो बोलता हूँ स्टॉक को होल्ड कर लो, जितना भी गिरता है फिर कम से कम जब 20% स्टॉक डाउन होता है या 15% आता है तो ही आप एवरेज इसको कर लेना, और ऊपर के चांस दोस्तों 600 के आसपास में प्रॉफिट बुकिंग इसमें अच्छी खासी दिखी है और एक रेजिस्टेंस भी है। तो जब तक एचडीएफसी लाइफ जो है 610 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है और वॉल्यूम के साथ में नहीं करता, देखिए वॉल्यूम भी वहाँ पे होना चाहिए, उसी के बाद आप इस पर फर्दर जो मूव है वो एक्सपेक्ट कर सकते हो 630-640 के लेवल्स का। तो फिलहाल शॉर्ट टर्म में स्टॉप लॉस अपना 579 का बना करके रखिए। ओवरऑल स्टॉक अच्छा है फंडामेंटली, नो डाउट, और इस पर आपको आगे चल करके देखिए 700 तक के भी लेवल मिलेंगे, बट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे, एक मिनट, अगर आप यहाँ से देखोगे कप एंड हैंडल बनने के चांस पूरे पूरे है, राइट। अब ये देखना है कि ये ब्रेकआउट कितना लेके जाता है, अगर लेके जाता है देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू सी 640 इवन 660 लेवल्स, और एक वो ब्रेकआउट भी होगा ऑल टाइम हाई का, राइट। तो लेट्स वेट फॉर दिस। अगर आप यहाँ पे देखते हो इसका जो ब्रेकआउट होगा ऑल टाइम, अभी रिसेंट में आई मीन मैं 2-3 ईयर्स का अगर डेटा देखता हूँ तो वहाँ पे जो हम लोग हाई देख पा रहे हैं वो ऑलमोस्ट यही है, 645 के आसपास में इसका हाई लगा हुआ है, राइट। तो देखेंगे कितना है सस्टेन करता है, उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे। एक चीज दोस्तों, अगर आप यहाँ पे और गौर करो तो यहाँ पे हो सकता है आपको एचएनएस रिवर्स एचएनएस भी बनता हुआ दिख सकता है, तो चांस पूरे। देखिए ओवरऑल टेक्निकली बुलिश है ये स्टॉक, तो बने रहिए इस ट्रेड में, आगे आपको 640 तक के लेवल आते हुए देख सकते हैं, उसके बाद में एक फर्दर ब्रेकआउट आएगा और वो ब्रेकआउट आप 640 से 580 तक आइए, यानी 60 पॉइंट्स का फर्दर ब्रेकआउट होगा अपसाइड में। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करें झील, झील 200 डीएमए जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है, और दोस्तों मैं एक काम और करूंगा, आज व्हाट्सएप में डेफिनेटली वो 200 कॉन्सेप्ट मैं सबको फ्री में शेयर कर देता हूं, और कुछ ना कुछ उसकी एक झलक आपको यहां भी दिखेगी। तो देखिए कई बार क्या होता है, स्टॉक 200 डीएमए के आसपास में आता है, वहां से सस्टेन कर जाता है तो एक ऊपर एक मूव आता है, फिर रीटेस्ट होता है, और रीटेस्ट होने के बाद में ये देखिए प्रॉपर रीटेस्ट नहीं था, थोड़ा नीचे आया, फिर उसके बाद में ये ऊपर गया ब्रेक करके, फिर से ही आया, इसने ब्रेक करके नीचे आया। तो ओवरऑल अभी भी ये जो स्टॉक है झील
प्रेशर में चल रहा है, 190-193 का इस पे ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस बन रहा है। उसके ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता भी है तो ये स्टॉक आपको जो मूव देगा ऑलमोस्ट इसमें आपको 200 तक 207-205 तक का अपसाइड देखने को मिल सकता है। एक बार अगर जील 207 के ऊपर सस्टेन करे, अच्छे वॉल्यूम के साथ कंटिन्यू करे, तो फिर आप वहां पर 205 का स्टॉप लॉस लगा लेना और इसको होल्ड कर लेना। फिर ऐसे केस में ही आपको नो डाउट एक ब्रेकआउट जरूर देते हुए देखेगा। 226-227 पे रेजिस्टेंस है, वो अगर ब्रेक होता है देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस इज 260। तो देखते हैं ये लेवल्स आते हैं कि नहीं। हालांकि अभी 200 डीएमए के पास में क्लोजिंग है, तो यहाँ पे आपको सतर्क रहना है इस स्टॉक में। और अगर रिसेंट में वन वीक की हम लोग बात करें, अभी शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें, तो आज इसकी जो क्लोजिंग है, इस स्टॉक की क्लोजिंग कितनी है, इसकी क्लोजिंग है 187 की। अगर ये गैप अप जाता है मंडे को तो 187 का स्टॉप लॉस रख करके आप इस पे बने रह सकते हो और शॉर्ट टर्म में आप इस पे एक गेम ले सकते हो। बाकी डाउन साइड की अगर बात करें या प्रॉपर मान लीजिए आप पहले से होल्ड करके चल रहे हो, तो दोस्तों मैं तो बोलूंगा यहाँ से आप एग्जिट कर जाना। 172 के लेवल से आप एग्जिट कर सकते हो, इसको आप अपना स्टॉप लॉस बना करके रख लो अगर आप 5-6 मंथ के लिए होल्ड करके इसको चल रहे थे। बाकी इसके नीचे फिर ये गिरता है देन 153-150 तक के लेवल आपको दे सकता है डाउन साइड में भी, तो उसी हिसाब से आप मैनेज करके चलिए जील को। मैंने आपको अपसाइड में डाउन साइड में दोनों तरफ आपको इसके टारगेट बता दिए, स्टॉप लॉस बता दिए बेसिकली, राइट। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट रेजिस्टेंस है जील का 205-207 के आसपास में, इसके ऊपर सस्टेन करें आप एंट्री ले लो डेफिनेटली, और लास्ट डे का क्लोजिंग लगा लेना। अदरवाइज इस पे जो कई बार का इसका जो सपोर्ट है दैट इज 200, आप उसको रख सकते हो। देन नेक्स्ट स्टॉक है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प में एक चीज अच्छी है दोस्तों, अगर आप लगातार देखोगे स्टॉक में हायर हाइज है लगातार, राइट, तो एक अच्छा सपोर्ट लेकर के चला है। अभी रिसेंट में डेल्टा कॉर्प में एक चीज और आप देख पा रहे हो, 200 डीएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस अगर क्लियर करके इसके ऊपर ट्रेड निकालता है, लगातार 3-4 अगर ट्रेड इसी के ऊपर निकलते हैं, इसके क्लोजिंग इसके ऊपर आती है, एंड दैट लेवल इज नथिंग बट 119-120 के ऊपर अगर ये कुल मिला के क्लोज करने लगे, 2-3 दिन सस्टेन करता है, तो आप रिसेंट का जो 117 है, 117 को रखना अपना स्टॉप लॉस, इस ट्रेड में आप बने रह सकते हो। हालांकि डेल्टा कॉर्प की बात करें, न्यू ईयर आ रहा है, राइट, तो गोवा साइड में मे बी आई थिंक दे मस्ट अलाउ दीज कैसिनो बार्स, एवरी थिंग शुड बी अलाउड इन गोवा, और कुछ रिस्ट्रिक्शन जरूर होंगे। हालांकि इनकी कमाई का सीजन आ रहा है, सबसे बड़ी बात ये डेल्टा कॉर्प में, तो दोस्तों जब कमाई का सीजन आ रहा है इनके लिए, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको बाइंग देखने को मिलेगी। 130 पहला रजिस्टेंस बनेगा आकर के, 133 का दूसरा रजिस्टेंस इसका 148 के आसपास में बनेगा आकर के, तो देखते हैं ये ब्रेकआउट आता है कि नहीं आता है और वेट करते हैं। फिलहाल अगर आप एंट्री लेते हो 117 का आप इसमें स्टॉप लॉस जरूर बना के चलना। ओवरऑल डेल्टा कॉर्प अभी बुलिश ट्रेंड में चल रहा है। नेक्स्ट स्टॉक है टाटा पावर का, तो इसमें 53 का हमारा दोस्तों स्टॉप लॉस था जो कि ऑलरेडी हिट हो चुका है। अब जब तक ये 55 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, इसमें एंट्री नहीं मारेंगे, तो आप लोगों को अगर पहले से होल्ड कर रखा है या फिर अभी भी आप इस स्टॉक में बने हुए, तो नेक्स्ट इस पे जो आपको नेक्स्ट अपना स्टॉप लॉस बना चलना है 50 का बना लीजिए, क्योंकि उसके नीचे आएगा तो ये आपको 46 से लेकर के 45 तक के लेवल भी दे सकता है, 200 डीएमए के आसपास में टच करेगा करके। फिलहाल उसके पहले जो इसमें एक सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 50 का, राइट। अगर यहाँ पे आप देख पा रहे हो 50 का एक कहीं ना कहीं थोड़ा साइकोलॉजिकल इसमें एक सपोर्ट बनेगा, यहाँ से रिवर्सल बन सकता है या फिर यहाँ के लेवल से भी बन सकता था 53 के लेवल से, बट वो ब्रेक हो चुका है। तो ऐसे में दोस्तों आपको 47-46 के लेवल भी आ सकते हैं, तो बेटर है अगर आप 53-54 के आसपास में या 53 के आसपास में एंट्री लिए हो, तो आप 50 का स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। अदरवाइज फ्रेश एंट्री मारनी तो आप अभी एग्जिट करके फ्रेश एंट्री मारिए जब 55 के ऊपर टाटा पावर ट्रेड करने लगे, और अदरवाइज या फिर वो 47 के आसपास में रिवर्सल ले आकर के, तो दो जगह एंट्री बनाइए, या तो 200 डीएमए के आसपास बनाइए दैट इज 46-47, या तो फिर 55 के ऊपर बनाइए ब्रेकआउट के ऊपर।
नेक्स्ट स्टॉक इज नेटवर्क 18 नो डाउट लास्ट वन ईयर जब टीवी 18 ब्रॉडकास्ट और नेटवर्क 18 दो स्टॉक्स को मैं पेनी स्टॉक्स में लेकर के चलता था और दोनों स्टॉक मैंने आपको उस समय से रिकमेंड किया थे तब दोस्तों ये स्टॉक जो था 21-22 रुपए में मिला करता था आई मीन 22-23 रुपीज में सोचे वो स्टॉक उस टाइम पे था और अभी भी और ये जो स्टॉक मैं आई थिंक आपको रिकमेंड करता था जब 2019 में मैं करता था 20 में भी मैंने शायद आपको रिकमेंड नहीं किया होगा 19 में आप अगर टेलीग्राम में जाकर के चेक करोगे तो वहां पे मैं डेफिनेटली आपको मिल जाएगा 23 के आसपास में इसको मैं रिकमेंड करता था नेटवर्क 18 को। अभी रिसेंट के हाई जो है 48 का लगा जब स्मॉल कैप वाली न्यूज आई थी कि म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप और मिड कैप में एक पर्टिकुलर सर्टेन रेशियो में जरूर बाई करेंगे सेबी का रेगुलेशन था राइट तो उसके बाद में एक मूवमेंट आया था फिलहाल बुलिश है तो स्टॉप लॉस अगर आप बना सकते हो 32 का स्टॉप लॉस रखो और इस पर ट्रेड बने रहिए। एक ब्रेकआउट की जरूरत है 38 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू ट्रेड करने लगेगा उसके ऊपर की क्लोजिंग देगा तब जा करके एक आपको फ्रेश मूव मिलेगा फिर से 43-45 के लेवल के लिए तो बट ओवरऑल दिस स्टॉक इज बुलिश और अभी भी आपको एंटर करना है तो इसमें 32 का स्टॉप लॉस रख लेना। अभी दोस्तों टेलीग्राम की अगर बात आई है तो चलिए आप लोगों को कुछ जानकारी जरूर मैं शेयर करना चाहूँगा तो आप टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो तो टेलीग्राम दैट चैनल इज कम्प्लीटली फ्री इसका लिंक है t.me/nrjfinance अभी टेलीग्राम में आप सर्च कर सकते हो एनआरजे फाइनेंस और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा डुप्लीकेट चैनल भी है इसलिए लिंक का जरूर ध्यान में रखना। देन ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो @wikinrj हमारा ट्विटर हैंडल है यूट्यूब में आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज ऑलरेडी आप वीडियो देख रहे हो। इसके अलावा आप लोगों को अगर व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना है जहाँ पर मैं डेली कई सारे ट्रेड शेयर करता हूँ चार्ट एनालिसिस या भी कोई भी डाउट होता है वो सारी चीज़ें मैं वहाँ पे डिस्कस करता हूँ तो आप उसके लिए फ्री में आप उसमें एक्सेस ले सकते हो लाइफ टाइम के लिए डीमैट अकाउंट ओपन करके हमारे रेफरल लिंक से। और एक चीज़ दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से डीमैट अकाउंट तभी आप ओपन कीजिए अगला डीमैट अकाउंट तभी ओपन कीजिए जब आप उस पर ट्रेड करना चाहो ये नहीं कि केवल ओपन करके आपने उसको छोड़ दिया व्हाट्सएप में ऐड होने के लिए क्योंकि एनीवे अगर आप केवल ओपन करते हो ट्रेड नहीं करते हो, तो 1 month बाद आप रिमूव कर दिए जाओगे और फिर से जब आप ट्रेड करोगे तभी ऐड होगे। तो दोस्तों इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप कंटिन्यूस उस पर ट्रेड कर सकते हो तो ही न्यू डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए अदरवाइज मत कीजिए। तो एंजल ब्रोकिंग में दैट इज कम्प्लीटली फ्री अकाउंट ओपनिंग है वहाँ पे आप ओपन कर सकते हो बाकी यूट्यूब में कंपेरिजन देख लेना जो भी पसंद आए आपको बाकी एंजल ब्रोकिंग नो डाउट अच्छा है बट आप अपनी तसल्ली के लिए कंपेरिजन जरूर देखो यूट्यूब में फिर उसके बाद में अपस्टॉक में भी आप ज्वाइन कर सकते हो आई थिंक अभी भी अपस्टॉक में फ्री में चल रहा है साथ में मनी कंट्रोल प्रो का सब्सक्रिप्शन भी मिल रहा है तो देख लीजिएगा एक बार अपस्टॉक में भी तो अपस्टॉक और एंजल ब्रोकिंग में ये आप फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हो और व्हाट्सएप लिस्ट को ज्वाइन कर सकते हो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ज्वाइन हो सकते हो। अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की नेक्स्ट स्टॉक है यस बैंक। दोस्तों इसमें मुझे कुछ नहीं बोलना है इतना ही बोलूंगा कि आप ये समझ लीजिए कि आपने एक पार्टी कर ली है तो अगर 12 रुपीज के आसपास में चाहे यस बैंक हो या फिर आइडिया हो ये जितने भी पेनी स्टॉक्स बने हुए हैं रेट इनके सस्ते हैं ले करके गैम्बलिंग कीजिए या स्टॉप लॉस चाहिए मैं वो दे देता हूँ आपको स्टॉप लॉस इसमें ऑलमोस्ट 10.5 का रहेगा लेकिन आपको अगर गैम्बलिंग टाइप में करना है तो ठीक है आप इस पे 500 स्टॉक्स लेकर के रख सकते हैं या फिर इवन अगर आप यहाँ पे 100 स्टॉक्स लोगे तो आपको लगभग 1,250 रुपए के पड़ेंगे राइट तो आप नए इन्वेस्टर हो नया ट्रेड कर रहे हो तो इसके 200-300 शेयर लेकर के 2-3 साल के लिए भूल जाइए। सोच लीजिए आपने FD कर दी है वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका भरोसा नहीं है हालांकि अगर आप लगातार ट्रैक कर सकते हो तो वहां पे क्या कर सकते हो आप वहां से प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कई सारे उसमें इवन एंजल ब्रोकिंग में अपस्टॉक में भी आप प्राइस अलर्ट सेट कर सकते हो जो हमेशा आपको बना रहेगा तो यहाँ पर जाकर के आप सेट अलर्ट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप अलर्ट सेट कर दोगे कि कितने प्राइस के नीचे आ जाए तो आपको अलर्ट आ जाए या फिर कितने के ऊपर जाए अलर्ट आ जाए तो उस वे में आप इसको ट्रैक कर सकते हो। जब भी नोटिफिकेशन आए आप उसको ट्रैक कर लेना उसी हिसाब से अपना डिसीजन लेना राइट। तो यस बैंक में इतना ही बोलूंगा 10.5 का स्टॉप लॉस रखिए और जब तक ये ब्रेकआउट नहीं आता है 17 के ऊपर का तब तक इसमें कोई फायदा नहीं इसको ट्रैक करने का। 17 के ऊपर गैप है दोस्तों 17 से लेकर के ऑलमोस्ट
18.5 तक का गैप है, हालांकि एक पॉइंट का गैप है, कोई ज्यादा मायने नहीं रखेगा, बट ओवरऑल अगर बात करें तो अभी भी आप इस पे एंट्री ले करके भूल जाइए, इसको गैम्बलिंग समझ करके भूल जाइए। आगे चल के इसमें जो एक्सपेक्टेशन एक बार 200 डीएमए के ऊपर चलेगा, 30 प्लस चलेगा, तब जाकर के आपको इसमें एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में कोफोर्ज की बात करें तो कोफोर्ज आपको याद है कौन सा स्टॉक था, ये दोस्तों था एनआईआईटी टेक, राइट, एनआईटी लिमिटेड था आई थिंक, तो नहीं एनआईटी टेक था, एनआईटी लिमिटेड तो 115 या फिर 135 के आसपास में आई गेस चल रहा है। तो दोस्तों कोफोर्ज अभी अपने सपोर्ट के आसपास में ट्रेड कर रहा है, अगर यहाँ से रिवर्सल लेके निकल जाता तो एक बड़ा मूव देगा 2400-2500 तक का, और एक मिनिमम रेजिस्टेंस इसका एक 2300 के पास में है, रिसेंट जो इसका रेजिस्टेंस है 2300 के ऊपर निकलता है तो नो डाउट 2500 तक के लिए भी आपको ये मूव दे सकता है। अगर आपने रिसेंट में एंट्री ली है तो इसमें 2180 का स्टॉप लॉस लेकर के बने रहिए, अगर वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर आपको कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही आपको 2080 से लेकर के 1890 तक के टारगेट दे सकता है डाउन साइड में। हालांकि 1890 के आसपास में आए तो डेफिनेटली आप इस पे एंट्री बना लीजिएगा, स्टॉक अच्छा भी है, थोड़ा चलेगा ऊपर, अच्छे से चलेगा। इंफ्राटेल की बात करें अभी भी एक बुलिश मूव में दिख रहा है, अब इसमें थोड़ी बाइंग आई हुई है और इसको बना के रखिए, 181 का स्टॉप लॉस रखना शॉर्ट टर्म में, और जिनको देखिए 1-3 मंथ्स ऑलमोस्ट 3 मंथ्स के लिए होल्ड करना तो 177 का भी आप इसमें स्टॉप लॉस बना करके चल सकते हो, डिपेंड करता है कितना रिस्क ले सकते हो। तो 177 का अगर स्टॉप लॉस रखते हो तो आप यहाँ से यानी कि करेंट मार्केट प्राइस 185 है, डिपेंड करता है आपने एंट्री कहाँ ली है दोस्तों, 180 के आसपास में एंट्री ली है 177 स्टॉप लॉस रखी है, 185 के ऊपर एंट्री ली है तो 181 का जो इसका है उसको आप सपोर्ट में सॉरी उसका स्टॉप लॉस 181 का रखिए और ट्रेड में बने रहिए, तो इसमें चांसेस हैं पूरे पूरे। और एक बार ये ट्राई करता है 189 के ऊपर निकलता है तो 195 तक के लेवल्स फिर से आपको दे सकता है, और अभी जिस तरह से हायर लोज इसमें बन रहे हैं कहीं ना कहीं ये स्टॉक 200 डीएमए को फिर से टच करने आएगा, यानी 195-197 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है इंफ्राटेल। और दोस्तों ये सारी चीज़ें आपको जितने भी मैं स्टॉक शेयर कर रहा हूँ ये लेवल्स आपको तभी आते दिखेंगे जब मार्केट नॉर्मल चलेगा, नॉर्मल इन द सेंस एक सडन क्रैश नहीं होना चाहिए, राइट, क्योंकि ऐसे टाइम में फिर डेफिनेटली ये सारे स्टॉक अपने सपोर्ट में पहुंचते हैं और हो सकता है वो भी तोड़ दे, तो इन सारी चीजों को आप लोग याद में रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक है डीसीबी बैंक, ऑलराइट, थक गए। तो दोस्तों डीसीबी बैंक की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट अपने सपोर्ट के पास में है, इसका स्टॉप लॉस बना करके चलिए 174 का, हालांकि मैं तो बोलूंगा लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनली होल्ड किया है तो इसको आप ऑलमोस्ट 70 के आसपास में जब आता है तभी एवरेज करना, और इसका स्टॉप लॉस जो है कोविड के समय का लो रख लेना, हालांकि लगता नहीं कि इसके नीचे आएगा 70 के, बट यस अगर कोविड वाला कुछ सिचुएशन बनता है, लॉकडाउन का फियर बनता है और ग्लोबल मार्केट को देख के अपना इंडियन मार्केट फॉलो करता है देन डेफिनेटली वी कैन सी दीज लेवल्स आल्सो, यानी 70 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब साइड में एक बड़ा मूव इसमें तभी एक्सपेक्टेड रहेगा जब ये मूव कर जाए, जब ये ट्रेड करने लगे ऑलमोस्ट 83 के लेवल के ऊपर, और इसमें एक्चुअली में हमारी भी बाइंग बनी हुई है, मैंने भी 81 के आसपास में इस पे बाइंग बनाई हुई है, बट स्टिल आई एम होल्डिंग दिस स्टॉक विद कॉन्फिडेंस, लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को मैं 100 प्लस देखता हूँ, तो डिपेंड करता है आप इस पे किस तरह से ट्रेड लेते हो, मैंने जो अपना लिया है ट्रेड मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया है, एटलीस्ट 1 ईयर रखेंगे जब तक ये 100 के ऊपर नहीं जाता है एग्जिट नहीं करेंगे, हालांकि इतने भी बेवकूफ़ नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो मैं 60 का स्टॉप लॉस बना करके चलूंगा और 70 के आसपास में दूसरा एवरेज करूंगा करके। देन SBI की बात करें, अभी रिसेंट में कई लोगों ने 200 के आसपास में खरीद लिया है, कोई बात नहीं है, या तो फिर आप देखिए रिसेंट का जो इसका सपोर्ट है 183 का, या फिर 183 के पहले 185 का, 187 के, सारे दोस्तों इसके दो दो पॉइंट के सपोर्ट हैं, डिपेंड करता है कहाँ पे कैसे मैनेज करना चाहोगे, अगर आपको रिसेंट में डाउन साइड देखना है या कम रिस्क लेना तो 83 का स्टॉप लॉस लो, 183 का स्टॉप लॉस लो और बने रहो, जिस दिन 183 हिट हो जाए आप एग्जिट कर जाओ। दूसरा तरीका ये है इसमें
कि जब ये 183 ब्रेक कर देता है, आपने तो 200 के आसपास में लिया था, फिर भी ट्रेड में बने रहिए, और जब ये आपको 177-178 के आसपास में आता दिखता है SBI, तब वहां पे आप उसमें 20-30% क्वांटिटी और ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से भी आप इस स्ट्रेटजी के साथ में SBI में ट्रेड कर सकते हो। बाकी SBI को हर कोई जानता है, इतना आसानी से SBI किसी को छोड़ता नहीं है, अपनी अर्निंग बैंक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और ये जो भी मोनेटोरियम को लेकर के बात थी, कोई बैंक पीछे नहीं हटेगा है, वो अपना लॉस बिल्कुल भी नहीं करेंगे जब तक कि कोई उनका पैसा लेकर के भाग ना जाए। तो ऐसे में दोस्तों SBI जब से कोविड के टाइम से गिरा हुआ है तो गिरा ही है, जबकि अगर आप HDFC बैंक को देखिए, और उसके बाद में हालांकि HDFC बैंक के अलावा और कोई ऐसा बैंक मुझे नहीं दिख रहा जो कोविड के बाद में रिकवरी कर पाया है, तो उसको छोड़ दीजिए। हाँ, कोटक में रिकवरी आ रही है, राइट, तो कोटक को देख लो, HDFC बैंक को देख लो, तो ये दोनों बैंक तो रिकवरी दे रहे हैं। हालांकि PSU में SBI नो डाउट सबसे बड़ा बैंक है, उसके बाद में कैनरा बैंक है, तो दोनों को आप लोअर लेवल पे एवरेज कर सकते हो। तो SBI को एवरेज करो 177-178 के आसपास में, और स्टॉप लॉस अपना 175 कर रख लेना। अगर 175 ब्रेक करता है एग्जिट कर जाना, उसके नीचे क्लोजिंग आती है एग्जिट कर जाइए, फिर रिसेंट, क्योंकि उसके बाद में आपको ये 169-167 के आसपास के लेवल भी दिखा सकता है, उसी हिसाब से ट्रेड लीजिए। बाकी हाँ, ओवरऑल SBI को आप होल्ड कर सकते हो, इट्स गुड। मन्नापुरम तो स्टॉक दोस्तों मुझे बहुत सही लगता है, और जब भी ये 139-140 के आसपास में आता है, बिल्कुल मैं सीधे सीधे आपको बाई की सलाह दे देता हूँ 137 के स्टॉप लॉस के साथ में। लास्ट टाइम भी मैंने दिया था, अगर आपको डेट याद हो 24 सितंबर, तो मैंने क्लियरली व्हाट्सएप में भी और आई थिंक टेलीग्राम में भी आपको बोला था मन्नापुरम को बाई कर लो, स्टॉप लॉस 137 का रहेगा। अभी अगर आप देखोगे 200 DMA के आसपास में आ रहा है, तो स्टॉक में फ्रेश एंट्री लेनी तो वेट कर लीजिए 148-147 के लेवल का, वहाँ पे आप फ्रेश एंट्री बना सकते हो, और स्टॉप लॉस उस टाइम पे जब 148 पे आप एंट्री लेते हो, तो स्टॉप लॉस अपना जो आप रखोगे वो आपका 145 का स्टॉप लॉस रहेगा। और अगर उसके नीचे आते हो आप ऑलमोस्ट 141 के आसपास में एंट्री लेने के लिए वेट कर रहे हो, तो फिर आप यहाँ भी एंट्री बना सकते हो, और वहाँ यहाँ पे 137 का स्टॉप लॉस रख लेना। बाकी दोस्तों 137 के नीचे जाता है तो आप इससे एग्जिट कर सकते हो, और एक फ्रेश मूव जो इसका अभी जो रेंज चल रही है मन्नापुरम फाइनेंस की 142-170 की रेंज में चल रहा है, उसके पहले एक जो इसकी पॉपुलर रेंज है 160 की है। तो यानी 140 पे आसपास पे आकर के आप अगर इसको बाई करते हो 137, 3 पॉइंट आप रिस्क में डालते हो, तो ऊपर आपको 20 पॉइंट का रिवार्ड भी मिलेगा, उस हिसाब से आप इस पे बने रह सकते हो। म्यूचुअल फंड बाई कर रहे हैं, FII ने भी अच्छी खासी इस पे बाइंग लगा रखी है, तो बुलिश मोड में है ये स्टॉक, इस पे नजर रखिए। देन नेक्स्ट स्टॉक है रेमंड। रेमंड भी कोविड के बाद से अगर आप देखोगे बैंकिंग सेक्टर के बाद में, या रेमंड मुझको ऐसा स्टॉक लग रहा है तो कोविड के बाद से परफॉर्म कर नहीं पा रहा है। इसकी सेल्स वगैरह अब तो शादियों के सीजन शुरू हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें एक बाइंग आती हुई दिखेगी, इनकी सेल्स बढ़ेगी रेमंड की, और सेल्स बढ़ती है तो नो डाउट फिर इसमें आपको लेवल जो है 320 प्लस के दिख सकते हैं। हालांकि सपोर्ट जो आपको रखना है स्टॉप लॉस रेमंड में, अगर ऑलरेडी एंट्री ले रखी है तो स्टॉप लॉस 260 का रखना, उसके नीचे ब्रेक करता है तो क्लोज करता है तो फिर आप एग्जिट कर जाओ, और उसको लोअर लेवल में आकर के ऐड करना 240 के आसपास में। अपसाइड की बात करें तो जब तक कि देखिए ये वाला जो हमारा लेवल है ऑलमोस्ट 280 के ऊपर जब तक जाकर के ये क्लोज नहीं करता, उसके ऊपर ट्रेड नहीं करता है, तब तक उस पर एंट्री मत लीजिए। 280 पे जब आप एंट्री लेते हो तो 300 तक के टारगेट रहेंगे, उसके बाद में जब ये निकलेगा इसका जो एक मेन रेजिस्टेंस है वो ऑलमोस्ट 320 का है। 320 के ऊपर जब ये लगातार सस्टेन करने लगेगा, क्योंकि उसी टाइम पे अपने 200 DMA के आसपास में भी होगा, अगर वो ब्रेकआउट मिलता है तो फिर एक आपको शायद बड़ी रैली दिख जाए, 360-400 तक की रैली देखने को मिल सकती है रेमंड में। बाकी स्टॉप लॉस आपके हाथ में है, जब भी आप चाहो 260 का स्टॉप लॉस रख करके ट्रेड में बने रहो। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा कम से कम, और YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ट्विटर पे भी आप फॉलो कर सकते हो,
तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट स्टॉक की, आईजीएल की। आईजीएल में दोस्तों आईजीएल और एमजीएल दोनों के दिन बुरे चल रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग एक रेंज में फंसे हुए हैं। एमजीएल है 840 के ऊपर क्लोजिंग नहीं कर पा रहा, सही से टिक नहीं पा रहा है। जबकि उसको 840 के ऊपर अगर ये सस्टेन करेगा एमजीएल, तो 900,000 प्लस के लेवल इजिली उस पर बन जाएंगे। हालांकि भी रिजल्ट आने वाला है, देखते हैं क्या सेल्स होती है इनके, कैसा फाइनेंशियल्स इनका जाता है, तो उसी हिसाब से इस पे डेफिनेटली एक्शंस होंगे स्टॉक पर। बाकी आईजीएल की भी बात करें तो 420 का एक इसका परमानेंट बन चुका है एक रेजिस्टेंस। अभी भी यहाँ पे देखोगे 411 के आसपास में आया, बट एक 420 का जो रेजिस्टेंस है इसका परमानेंट रेजिस्टेंस है फिलहाल। और वो अगर ब्रेक होता है 420 के ऊपर, ये क्लोज करता है उसके ऊपर ट्रेड करने लगता है, तो फिर 200 डीएमए यानी 430 के आसपास में फिर से ही आकर के रिजेक्शन लेगा थोड़ा। और अगर रिजेक्शन ना लिया, चल गया दोस्तों इसके ऊपर, तो फिर 10 पॉइंट्स आपको और ऊपर की तरफ बनाते हुए दे देगा। 10 पॉइंट्स के बाद में सस्टेन करता है तो अनादर जो इसमें एक रेजिस्टेंस आएगा वो 455 के आसपास में आएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इसकी समरी ये है आईजीएल की, जब भी ये आपको ये जो लेवल है 387-390 का लेवल देता है आकर के डाउन साइड में, एंट्री ले लो। और स्टॉप लॉस अगर आप 387 पे अगर आप इस पे एंट्री लेते हो तो 380 के आसपास का इस पे स्टॉप लॉस रख लेना, 380 का स्टॉप लॉस बना लो और इस पे आप आराम से आगे की तरफ 15-20 पॉइंट्स बुक कर सकते हो। दूसरा थोड़ा और सेफ आपको एंट्री बनानी है तो फिर वो एंट्री आप इस पे बनाओगे 375 के आसपास में, और 370 का स्टॉप लॉस रख लेना। तो इतना ही बोलूंगा, 370 का स्टॉप लॉस रखे रहो, बाकी स्टॉक में आप फिर उस हिसाब से बने रह सकते हो। और स्विंग ट्रेड लेना है 375 के आसपास में आता दिखे, 375 के आसपास में एंट्री लीजिए, 370 का स्टॉप लॉस रखिए और उसको 400 तक के लेवल के लिए होल्ड रखिए। जब तक कि ऐसे ऊपर नीचे एक रेंज में चल रहा है उसी तरह आप इस पर पैसा बना सकते हो। नेक्स्ट स्टॉक है क्यूपिड। क्यूपिड में बने रहिए, इसका स्टॉप लॉस जो है वो 200 का रखिए और बने रहिए। एक बार जो इसका ब्रेकआउट है ऑलमोस्ट 225 के ऊपर का ब्रेकआउट चाहिए, और उसके ऊपर भी एक ब्रेकआउट चाहिए 233 के ऊपर का। तो दोस्तों 233 के ऊपर जब इस पे ब्रेकआउट आता है वॉल्यूम के साथ में निकलता है, तो फिर आपको फिर से बड़े मूव देगा, 260, 290, इवन 300 तक के मूव दे सकता है। बाकी स्टॉप लॉस जो है उसको 200 रखना, 208 का इसका करेंट मार्केट प्राइस है। और रिसेंट में अगर आप देखोगे लगातार इसको जो एक रिजेक्शन मिल रहा है 215 के आसपास में एक रिजेक्शन मिल रहा है फिलहाल। बाकी क्यूपिड स्टॉक वाइज इसके यूनिक प्रोडक्ट है और नो डाउट कहीं ना कहीं उस सेल भी इनकी बढ़ी हुई है क्यूपिड की, तो इसका एक फायदा मिल सकता है प्राइस में। और चलिए इधर देखें हम लोग आयशर मोटर की। रॉयल इनफील्ड की दोस्तों सेल लगातार इंक्रीज करती जा रही है और अक्टूबर मंथ में भी अच्छी खासी सेल हुई है, तो ऐसे में अगर आपके पास आयशर मोटर है तो स्टॉप लॉस लगा लीजिए 2000 का स्टॉप लॉस रखिए और एंट्री बना सकते हैं। आगे के टारगेट 2200 के इस पे रहेंगे। इन केस यूएस मार्केट का झटका लगता है और आयशर मोटर आपको ऑलमोस्ट 1860 यानी 1860 के आसपास या 1900 के नीचे मिलता है, तो फिर आप एसआईपी मोड में आ जाइए, यानी कि 2000 के आसपास में ले लिए दो स्टॉक, तीन चार स्टॉक मैंने यहाँ पे ले लिए ऑलमोस्ट 1860 या फिर 1900 के नीचे, और झटका लगा कोई बात नहीं, अगला 1600 में ले लेंगे, और झटका लगता है कोई बात नहीं, फिर सीधे सीधे हम इसको 1400 के आसपास में ले लेंगे। तो इस तरह से आप इस पे एसआईपी मोड पे बन सकते हो, क्योंकि 2000 के ऊपर का स्टॉक है इसलिए मैं हमेशा ज़्यादा स्टॉक सजेस्ट नहीं करता हूँ इसमें, क्वांटिटी छोटी छोटी रखिए, एसआईपी मोड में बने रहिए। सेम चीज़ मैंने रिलायंस में आपको बोली थी, जब रिलायंस 2030 का था मैंने बोला था भाई 5 से 10 स्टॉक लेकर के रख लो, मैक्सिमम 10 लेना, गिरता है तो हम लोग स्टॉप लॉस सेट करके अपना एवरेज कर लेंगे, या फिर 18 मतलब उसके लेवल से 1948 का हमने स्टॉप लॉस दिया था तो वहाँ तक आता है तो फिर वहाँ पे एग्जिट कर लेंगे। लेकिन अगर बनता है तो ऊपर की तरफ आपको 2-300 तक के पॉइंट आपको रिलायंस बना के दे देगा, राइट। तो अगर आपने 10 स्टॉक लिए यानी कि आपने इन्वेस्टमेंट किया 20,000 प्लस का, और वहाँ पे 10 स्टॉक्स हैं आपके पास 200 पॉइंट मिलते हैं, तो 2000 रुपीज़ आपको गेन मिल जाएगा, यानी 10% का प्रॉफिट बन जाएगा। सेम आयशर मोटर में है, सेम कोफोर्ज में है, सेम हीरो मोटो में भी है। हीरो मोटो भी मूव देने के बाद सडन डाउन आया है, लेकिन मैंने पहले भी बोला था कि भाई ज़्यादा मत लेना, 5 से 10 स्टॉक ही लेना,
और अभी एक तो हम लोगों ने बाई लगाया था 2900 पर, दूसरा बाई लगेगा 2600 पर। अगर 2600 के आसपास में आता है तो फिर आप उस पर बाई लगा सकते हो हीरो मोटो कॉर्प में। उसका एक मैंने चार्ट शेयर किया, आप यहाँ से चेक कर सकते हो। आई थिंक दिस इज द हीरो मोटो को, राइट? ये जो चार्ट है हीरो मोटो का ही है। अब नेक्स्ट, मन्नापुरम इज डन, रेमन डन, आयशर आल्सो डन। ये दोस्तों स्टॉक अच्छा है। आई थिंक किन्होंने किया वो व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमारे ऐड रहते हैं लगातार, पुरोहित जी ने किया होगा, मिहिर पुरोहित जी, राइट? कोरामंडल देखते हैं सर, आई थिंक उन्होंने ही किया है। तो स्टॉक अच्छा है, अगर आप कोरामंडल को लेते हो और इसका स्टॉप लॉस रखो, ऑलमोस्ट 680 का स्टॉप लॉस रखो और इस पर बाइंग बना सकते हो। एक बार अगर ये 745 के ऊपर कंटिन्यू करता है, वहाँ से सस्टेन करने लगता है, क्लोजिंग उसके ऊपर आती 745 के ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं फिर से मूव इसमें 780 तक के आपको दे देगा। फंडामेंटली इट इज़ वेरी गुड स्टॉक, तो इस पर आप बने रह सकते हो। जब भी आपको नीचे आता दिख जाए इसको लपक लो, यानी 630-640 के आसपास में दिख जाए इस स्टॉक को आप बाई कर लो, SIP मोड में तुरंत आ जाओ इस स्टॉक में। देन नेक्स्ट स्टॉक की बात करेंगे, NBCC में रखिए, 21 का स्टॉप लॉस रखिए और बने रहिए। अभी 22.8 का है तो 21 का स्टॉप लॉस रखिए, एंट्री ले सकते हैं या फिर एवरेज कर सकते हैं। ऊपर की तरफ ब्रेकआउट चाहिए दोस्तों इसमें 25 के ऊपर, 25 के ऊपर जब निकलेगा तब जा करके 28 और 30 तक के लेवल दे पाएगा, तब तक ये फंसा रहेगा ऐसे ही। एक्सिस बैंक की बात करें तो 500 प्लस के हमारे टारगेट थे, ऑलरेडी अचीव हो चुके हैं और दो दो बार अचीव हुए, तो 520 के ऊपर अब ये नहीं जा पा रहा है। जब तक दोस्तों 520 के ऊपर जाए ना, इसमें फ्रेश एंट्री ना मारो, ऑलरेडी पहले से रखे हो तो फिर इसमें फ्रेश एंट्री अभी मत मारना, या तो फिर फ्रेश एंट्री कहाँ पर मारोगे, ऑलमोस्ट 440 के लेवल के आसपास में, यानी 440 के आसपास में जब आ जाए तब फिर फ्रेश एंट्री मारना। इस बीच आप वेट कर लीजिए, 520 के ऊपर लगातार सस्टेन कर जाए, कंटिन्यू कर जाए, तो फिर आप इसको क्या कर लेना, इस पर आप एंट्री ले सकते हो और वहाँ से ट्रेड बना सकते हो। तो बाकी एक ये रेंज थी देखिए लगातार, हालांकि इस पे ये फायदा इस स्टॉक को जरूर मिला था कि एक इसने ब्रेकआउट लिया था यहाँ पे, फिर डाउन आया था। अभी एक चीज इसमें और आपको फायदेमंद दिखेगी, ये 200 DMA के ऊपर चल रहा है तो वेट कर लो। अभी इसका प्राइस है 492 का, आने दो 500 भी आने दो, कोई बात नहीं, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हो। जब 520 के ऊपर ये आपको क्लोजिंग दे दे अच्छे वॉल्यूम के साथ में देता है तो ही आप इस पे एंट्री ले लेना, क्योंकि जब ये 520 प्लस होगा यानी बैंक निफ्टी 25,000 के ऊपर होगा उस समय, तो ऐसे में ही आपको फिर स्टॉक और एक रन दे सकता है अच्छा खासा, 560-600 तक का एक लेवल बना करके दे सकता है। बाकी अगर 490 के नीचे क्लोजिंग दे देता है तो फिर एग्जिट कर जाना, क्योंकि उसके बाद में दोस्तों ये शॉर्ट करा देगा और 475 से लेकर के 460 तक के लेवल डाउन साइड में एक्सिस बैंक में आपको आते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आपको फ्रेश एंट्री कहाँ मारनी है, वो 440 के आसपास में मारनी है फ्रेश एंट्री। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, बाकी जो स्टॉक बचे हैं मैं उनके चार्ट एनालिसिस टेलीग्राम पे डाल दूंगा, या फिर और कुछ और नए कमेंट्स आते हैं तो मैं उनमें कल वीडियो बना दूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद आया हो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू।